नमस्कार दोस्तों, मैं अच्छे लाल भरत आपको अपने YouTube चैनल अनुराग कॉमन सर्विस में आप सबों का स्वागत है। दोस्तों, वीडियो काफ़ी लेट से बन रहा है, इसके लिए हम आपसे हाथ जोड़कर माफ़ी चाहेंगे। किसी कारणवश वीडियो नहीं बना पा रहे थे, तकरीबन एक सप्ताह लमसम हो गया, लेकिन दोस्तों अब आपको वीडियो रेगुलर मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में आज हम बात करेंगे फिर एक नई वैकेंसी के बारे में। आज हम जानकारी लेकर आए हैं, वो वैकेंसी कौन सी है, उसमें कौन कौन से लोग आवेदन कर सकते हैं, उसमें टोटल पोस्ट कितने रखे गए हैं, और साथ ही साथ दोस्तों उसमें क्या सैलरी होगा, यानी कि आपका मंथली इनकम क्या होगा, और उसे ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपके क्वालिफिकेशन क्या होने चाहिए, इन सारी बातों को आज हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले, अगर यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल वाले बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन की घंटी को दबा दीजिएगा, ताकि ऐसे ऐसे लेटेस्ट वीडियो आपको हमेशा मिलता रहे। तो दोस्तों, उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंशियल बैंक, ये जो आप देख सकते हैं आपके शहर या आपके गांव में जो फाइनेंशियल बैंक है, एक ग्रुप एक संगठन बना के जो पैसा देती है, और उसमें आपको साप्ताहिक या हाफ मंथली या मंथली के तौर पे आपसे वो किस्त के तौर पे पैसा लेती है, उसी उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंशियल बैंक में वैकेंसी निकल कर आई है। और सिर्फ सिर्फ दोस्तों ये बिहार के लोगों के लिए ही है, ये सिर्फ बिहार के लोग ही इसमें इस वैकेंसी को फॉर्म भर सकते हैं। तो दोस्तों, इसका जो सैलरी इनकम है 16,000 से लेकर 17,000 के बीच में इसका सैलरी इनकम होगा, और साथ ही साथ दोस्तों आप 12th पास हैं, ग्रेजुएट हैं, तो उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंशियल बैंक के लिए जो वैकेंसी निकाली गई है उसमें आप आवेदन दे सकते हैं। तो दोस्तों, इन सारी बातों को हम अपने आपको अपने लैपटॉप के स्क्रीन पर लिए चलते हैं, और एक आर्टिकल जो छपवाया गया है, जो एक आर्टिकल के द्वारा दिखाया गया है, वहाँ पे हम आपको इस वैकेंसी के बारे में टोटल जानकारी देंगे। तो चलिए दोस्तों, अपने लैपटॉप के स्क्रीन पर चलते हैं और आपको टोटल जानकारी उसी पर हम आपको दिखला देते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम अपने लैपटॉप के स्क्रीन पर आ गए हैं। लैपटॉप के स्क्रीन पर आने के बाद आपको यहाँ पर टाइप करना है biharhelp.in/utkarsh smallfinancialbankvacancy2022/. दोस्तों, इसका लिंक हम आपको अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे, वहाँ पे जाके क्लिक करके आप इस साइट पे आ जाइएगा। यहाँ पे आने के बाद देखिए उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक वैकेंसी 2022 12वीं और स्नातक पास के लिए निकली नौकरियाँ, आवेदन शुरू, जल्द करें अप्लाई। तो इस आर्टिकल को दोस्तों अगर आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, अगर हम पढ़ेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। यहाँ पे जो हेड है, देखिए यहाँ पे रिक्त कुल 50 पदों पर भर्ती हेतु 14 अक्टूबर 2022 को नियोजन कैंप का आयोजन किया जाएगा, यानी कि 14 अक्टूबर को कैंप लगाकर 50 पदों के लिए कुल वैकेंसी किया जाएगा, और इस कैंप में जाकर आप डायरेक्ट इंटरव्यू देकर आप ज्वाइनिंग हो सकते हैं। स्क्रॉल को नीचे करना है, स्क्रॉल को नीचे करने के बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम आपको फिर समझा दे रहे हैं उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक वैकेंसी 2022 ओवरव्यू। नेम ऑफ द बैंक, यहाँ पे उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक भागलपुर। उसके बाद नेम ऑफ द आर्टिकल, उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक वैकेंसी 2022। टाइप ऑफ आर्टिकल, लेटेस्ट जॉब, वो कैन अप्लाई, ओनली बिहार एप्लीकेंट कैन अप्लाई। दोस्तों, ये जो वैकेंसी निकाली गई है सिर्फ और सिर्फ इसमें बिहार के एप्लीकेंट ही अप्लाई कर सकते हैं। नो ऑफ वैकेंसीज, 50 वैकेंसीज, यानी कि यहाँ पे सॉरी नंबर ऑफ वैकेंसीज 50 वैकेंसीज निकाले गए यहाँ, यानी कि यहाँ पे कुल टोटल जो पोस्ट सीट है वो 50 सीट रखा गया है,
मोड ऑफ एप्लीकेशन, ऑफलाइन व्यू प्लेसमेंट कैंप, यानी कि आपको इसमें ऑनलाइन आवेदन नहीं करना है, या जो कैंप लगेगा भागलपुर में वहीं पे जाके आपको ऑफलाइन प्लेसमेंट कैंप में आपको अपना इंटरव्यू देना है, या जो भी होगा वहीं पे आपको भागलपुर कैंप में ही जाना है। और ऑफिस ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पे आप क्लिक करके जान सकते हैं। तो चलिए हम फिर स्क्रॉल नीचे करते हैं। स्क्रॉल नीचे करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं नियोजन भर्ती कैंप में भाग ले सके, यहाँ पे टोटल चीज़ बताया गया है। अब यहाँ पे देखिए, फिर आपको नियोजन नियोजक का नाम उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक भागलपुर, पद का नाम सेल सेल सपोर्ट एंड कैशियर, नंबर ऑफ पोस्ट 50 वैकेंसीज, और रिक्वायर्ड एज लिमिट, जो आपका एज लिमिट होना चाहिए दोस्तों वो 21 वर्ष से लेकर 28 वर्ष के बीच में होना चाहिए। रिक्वायरमेंट क्वालिफिकेशन जो होगा आपका 12th पास एंड ग्रेजुएशन, अगर आप 12th पास हैं और ग्रेजुएशन पास हैं तो इसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पे जो आपका मंथली सैलरी होगा, जो मंथली इनकम होगा, मैंने वीडियो को पहले ही में बताया था, 16,000 से लेकर 17,000 के बीच में होगा, और इंसेंटिव फ्यूल भी आपको मिलेगा। जॉब लोकेशन एनी वेयर इन बिहार, यानी कि आपको बिहार के किसी भी जिले में आपको जॉब दिया जा सकता है दोस्तों, इसीलिए आपको सिर्फ और सिर्फ बिहार की एप्लीकेंट ही इसमें भाग ले सकते हैं। तो दोस्तों स्क्रॉल को नीचे कर सकते हैं। स्क्रॉल नीचे करने के बाद ये टोटल आर्टिकल पढ़ सकते हैं। यहाँ पे आपको बताया गया है कि कब से आपको नियोजन कैंप का आयोजन कब किया जाएगा। 14 अक्टूबर 2022 को इस कैंप का आयोजन किया गया है। नियोजन कैंप का समय जो रखा गया है, सुबह के 11 बजे से लेकर दोपहर के 3 बजे तक इस कैंप का आयोजन किया गया है। नियोजन कैंप का स्थान श्रम संसाधन विभाग और प्रादेशिक नियोजनालय भागलपुर कार्यालय परिसर, यानी कि इस कैंप का जो आयोजन किया गया है इसी पते पर आपको जाना है, सुबह के 11 बजे से लेकर दोपहर के 3 बजे तक। नियोजन कैंप की अवधि 1 दिवसीय। दोस्तों स्क्रॉल कर नीचे करके ये पूरा आप आर्टिकल पढ़ सकते हैं। अगर ये आर्टिकल हम टोटल पढ़ेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंशियल बैंक के जो वैकेंसी निकाली गई है उसी के बारे में जानकारी दिया गया है। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। आगे के लिए धन्यवाद।